दोस्तों आरबी मौर्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर मैंने एक आसान सा डिजाइन बना रखा है जो आप देख सकते हैं। इसको आप सभी लोगों ने एक बार जरूर बनाया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में इसको बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन का इस्तेमाल करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद टूल्स में जाएंगे, एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पतले शेप में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर रेड कलर फिल कर लिया है। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है फंक्शन ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है एलिप्टिकल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपको मिल जाता है डिजाइन। अब सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो इस पर डबल क्लिक करें, सेलेक्ट कर रखा है तो एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपली इसको हम रोटेट करा देते हैं, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट करा देता हूँ। जब आप कंट्रोल के साथ रोटेट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट 15 डिग्री में रोटेट होता है और सभी के बीच में जो स्पेस आता है वो 100% परफेक्ट आता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन सभी को एक बार फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से, चाहे ग्रुप कर लें या ना ग्रुप करें, इस पर एक बार फिर से क्लिक करें और इसको रोटेट करा दें, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के साथ ही मैं इसकी साइज जो है छोटी कर देता हूँ, इसकी साइज मैं लगभग इतना कर देता हूँ, यानी एक ये जो तीलियाँ है इसकी बड़ी रहेंगी और दूसरा जो है छोटा रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक आसान सा डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, उसके बाद टूल्स में जाएंगे, कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं, तो मैं इसमें फिल कर लेता हूँ रेड कलर, और ये जो मैंने डिजाइन बनाया है इसका हमें कलर चेंज करना होगा, तो सिंपली यहाँ पर हम येलो कलर फिल कर लेते हैं। जैसे आपने येलो कलर फिल किया, आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको बहुत ही आसानी के साथ डिजाइन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें दूसरा कलर फिल करते हैं तो जस्ट उसी से रिलेटेड यहाँ पर कलर फिल करेंगे, आप तुरंत कलर चेंज कर सकते हैं दोनों का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और एक आसान सा जो है डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।